Dear students, today we are going to discuss one important topic of semiconductor physics. Okay, in the previous classes we have already discussed different topics regarding what is semiconductor, or phir intrinsic semiconductor or extrinsic semiconductor. Do tarah ke semiconductor hoti hai, maine pehle hi bataya aapko. Maine bataya tha ki intrinsic semiconductor pure form hota hai. प्योर फॉर्म का मतलब है उसकी जो एटम होती है वो उसमें कोई दूसरी एटम, कोई दूसरी सब्सटेंस नहीं मिली होती है. जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, जिसे हम लोग टेट्रावैलेंट कहते हैं क्योंकि इसकी वैलेंसी चार होती है, तो सिर्फ सिलिकॉन हो या सिर्फ जर्मेनियम हो वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होती है. लेकिन अगर उसमें अगर हम बाहर से कुछ इम्प्योरिटीज मिक्स कर देते हैं, इम्प्योरिटीज चाहे तो ट्राईवैलेंट हो सकता है या पेंटावैलेंट हो सकता है. ट्राईवैलेंट का मतलब है ऐसी एटम जिसकी वैलेंसी तीन है, ट्राई मीन्स थ्री. जैसे आपकी ब्रोन है ना, ब्रोन की जो वैलेंसी है वो थ्री है. तो उस तरह और या अल्मोनियम भी हो सकता है, अल्मोनियम की वैलेंसी थ्री है. तो अगर ट्राईवैलेंट मिक्स करेंगे तो होगा क्या होगा, ये कि उसमें चूँकि ट्राईवैलेंट है, उसकी तीन ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है. बिकॉज सिलिकॉन जो है जिसमें हम मिक्स करने जा रहे हैं उसमें चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसे चार और चाहिए किसी से कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए. तो एक कमी हो जाती है इलेक्ट्रॉन की, जिसे कहते हैं होल बन गया. होल मतलब लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन. होल को हम लोग पॉजिटिव चार्ज के रूप में कंसिडर करते हैं. तो ये क्या बन गया, ये बन गया पी टाइप सेमीकंडक्टर. तो जब हम किसी सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन में अगर हम बोरोन मिला दें या एल्युमिनियम मिला दें तो बन जाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर. पी मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन्स होल. तो होल ज़्यादा हो गया मतलब लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाती है. क्यों इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, क्योंकि बोरोन और एल्युमिनियम जो है वो उसमें तीन ही वैलेंट इलेक्ट्रॉन है, और सिलिकॉन को चाहिए चार इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए. तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है. उसी प्रकार अगर हम सिलिकॉन में हम पेंटावैलेंट एटम डाल दें, है ना, जैसे एंटीमनी, है ना, तो अगर हम पेंटावैलेंट डाल देते हैं तो उसमें पांच इलेक्ट्रॉन होती है, पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है. तो सिलिकॉन को तो सिर्फ चार ही चाहिए, तो उसे एक एक्स्ट्रा मिल जाता है. वो एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन है, जो पेंटावैलेंट जो हमने इम्प्योरिटी डाला, वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह काम करता है. वो मोबाइल होता है, वो कंडक्टिविटी में मदद करती है. और चूंकि इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, नेगेटिव मतलब एन, मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर. तो इस प्रकार जो पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, कैसे बनता है, जब हम किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन जर्मेनियम में हम कोई इम्प्योरिटीज आइदर ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट, अगर कोई एलिमेंट मटेरियल जिसे इम्प्योरिटीज कहते हैं वो मिक्स कर दे, तो चाहे पी टाइप बनेगा या एन टाइप बनेगा. अगर ट्राईवैलेंट मिक्स करेंगे तो पी टाइप बनेगा, पेंटावैलेंट मिक्स करेंगे तो एन टाइप बनेगा. ये जो पी टाइप एन टाइप है, ये इसे क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होती है वो उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है. क्यों, क्योंकि उसमें आइदर अगर पी टाइप है तो होल्स ज़्यादा हो गया. होल मतलब पॉजिटिव चार्ज, जो चार्ज कैरियर का काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टिविटी में मदद करेगा. या अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गया, एन टाइप है तो फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी में मदद करता है. मतलब कहने का मतलब है कि जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है दैट इज अ बेटर कंडक्टर देन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक अच्छा कंडक्टर नहीं है. क्यों, क्योंकि जो सिलिकॉन या जर्मेनियम जो भी है उसकी जो टेट्रावैलेंट है वो चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन को वैलेंट बॉन्ड से वो बॉन्डेड होती है, जुड़ी होती है, वो फ्री नहीं है. तो जीरो केल्विन पे अगर आप देखोगे, जीरो केल्विन मतलब -273 डिग्री सेल्सियस पे जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो प्योर इंसुलेटर की तरह व्यवहार करेगा. राइट, सो इस तरह से वी हैव टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, एक प्योर फॉर्म जो इंट्रिंसिक है और एक इम्प्योर फॉर्म जो एक्सट्रिंसिक है. इम्प्योर मतलब उसमें हमने कुछ बाहर से फॉरेन मटेरियल इम्प्योरिटीज आइदर ट्राईवैलेंट या पेंटावैलेंट हमने इम्प्योरिटीज मिक्स कर दिया है. टुडे वी आर गोइंग टू सी वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जनरली एग्जाम में आती है, वो है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. तो वी विल सी टुडे डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर
extrinsic semiconductor. Okay, so this question is always asked in examination, a very important question. So we will see first intrinsic here. We will have two columns for better presentation. Intrinsic semiconductor and second column is extrinsic semiconductor. Okay, so we will have a point wise point column, different columns. We will have point wise point columns. Number one for intrinsic and number one for extrinsic. So as I told you ki jo intrinsic hota hai ye pure form hota hai. This is pure form of tetravalent atom like silicon or germanium, etc. Pure form is either silicon ka hoga ya germanium ka hoga. Lekin ye jo hai pure form nahi hai. This is impure form. इम्प्योर क्यों? क्योंकि इसमें बाहर से हमने इम्प्योरिटीज डाल रखा है. दिस इज इम्प्योर फॉर्म बिकॉज आइदर ट्राइवेलेंट एटम लाइक बोरोन और अल्मोनियम है ना, अल्मोनियम और pentavalent atom, no, pentavalent atom like arsenic, antimony, like arsenic or antimony, Sb means antimony, no, are mixed in, किसे मिक्स करते हैं, मिक्स इन सिलिकॉन और जर्मेनियम इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट है ना कि ये प्योर क्यों है, क्योंकि इसमें सिर्फ सिलिकॉन जर्मेनियम है. ये इम्प्योर क्यों है, ये इम्प्योर फॉर्म है. पहली बात तो इम्प्योर फॉर्म है, लेकिन है क्यों इम्प्योर फॉर्म, क्योंकि इसमें मिक्स किया हुआ है, इम्प्योरिटीज मिक्स किया हुआ है, बोरोन या अल्मोनियम जो ट्राइवेलेंट मिक्स कर सकते हैं या पेंटावेलेंट आर्सेनिक या एंटीमनी, ठीक है ना. एंड आपको पहले बताया था मैंने ये जो मिक्सिंग जो प्रोसेस है इसे क्या कहा जाता है, डोपिंग है ना, डोपिंग कहा जाता है. और जो हम लोग एलिमेंट मटेरियल मिक्स करते हैं इसे कहते हैं डोपेंट. और मैंने पहले बताया था कि ये जो डोपेंट मिक्स करते हैं हम लोग पी टाइप या एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए, तो इसकी जो क्वांटिटी अमाउंट काफ़ी कम होती है ना. हमने बताया था कि 1 upon 10 to the power 6 मतलब जो रेशियो होती है वो क्या होती है, 1 upon 10 to the power 6 रेशियो में होती है. मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम 10 to the power 6 kg अगर हमारे पास सिलिकॉन है तो उसमें मात्र 1 kg हम मिक्स करते हैं बोरोनियम एल्युमिनियम को, तो उसके रिस्पेक्ट में बहुत ही कम क्वांटिटी होता है, ठीक है. तो दिस इज नंबर पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 फॉर द डिफरेंस इज लो कंडक्टिविटी. मतलब एक अच्छा कंडक्टर नहीं होता है. कौन अच्छा कंडक्टर नहीं होता है, तो बिल से इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर एक अच्छा कंडक्टर नहीं होता है. क्यों अच्छा कंडक्टर नहीं होते, क्योंकि कोई भी मटेरियल आपने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में, 11-12 में पढ़ा होगा या उससे भी लोअर में पढ़ा होगा कि कोई भी मटेरियल गुड कंडक्टर तब होता है जब उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. मेटल इज अ गुड कंडक्टर बिकॉज इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो
नॉट ओनली फ्यू इलेक्ट्रॉन्स, अगर पॉजिटिव कोई भी आयन्स हो, कोई भी आयन्स हो, सोडियम आयन, क्लोरीन आयन, या पॉजिटिव चार्ज, कोई भी पॉजिटिव चार्ज हो, प्रोटोन हो, प्रोटोन तो पॉसिबल नहीं है जनरली, बट इफ प्रोटोन है, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, कोई भी चार्ज हो, चाहे आदर पॉजिटिव या नेगेटिव या कोई आयन्स हो, अगर वो अवेलेबल है तो वो कंडक्टिविटी में मदद करता है। कंडक्टिविटी का मतलब वो इलेक्ट्रिक करंट को अपने थ्रू गुजरने देगा, इट विल अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इटसेल्फ। ठीक है, तो चूंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो सिलिकॉन के चारों एलिमेंट इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन से साझा करती है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है, और चारों इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली यूज्ड होते हैं, यूज मतलब वो बंधे होते हैं, है ना, उसका इस्तेमाल हो गया होता है, वो फ्री नहीं है। तो सिलिकॉन जर्मेनियम जो प्योर फॉर्म है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, सेकेंड पॉइंट में आप देखोगे कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज नॉट ए गुड कंडक्टर, सो इसकी जो कंडक्टिविटी है वो पुअर कंडक्टिविटी होती है ना, इट हैज पुअर कंडक्टिविटी है ना। व्हाई? बिकॉज क्यों पुअर कंडक्टिविटी होती है? यू मस्ट ऑल्सो नो द रीजन, बिकॉज ऑल फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम आर यूज्ड इन कोवेलेंट बॉन्ड। सो नंबर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं मौजूद है वहां पे, है ना, लेकिन यहां पे इट हैज बेटर कंडक्टिविटी, इसकी कंडक्टिविटी हाई होती है। ओके, सो इट हैज हायर कंडक्टिविटी, इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा क्यों होगी? क्योंकि जब हम इसमें बोरोन मिलाते हैं जो ट्राइवेलेंट है तो होल की संख्या बढ़ जाती है, अगर हम इसमें पेंटावेलेंट आइटम डालेंगे, हम जैसे आर्सेनिक या एंटीमनी डालेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाता है, क्योंकि पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन है एंटीमनी आर्सेनिक, तो एक जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो मदद करती है कंडक्टिविटी में। अगर बोरोन डाला तो होल बढ़ जाती है, तो होल जो है पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, तो वो पॉजिटिव चार्ज जो होल है वो मदद करता है इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने में, कंडक्टिविटी करने में। तो इट हैज हाई कंडक्टिविटी बिकॉज होल्स जो पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव चार्ज एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव चार्ज हेल्प इन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो इस प्रकार आप देखोगे कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक अच्छा कंडक्टर हो जाता है, क्योंकि इसमें फ्री चार्ज कैरियर मौजूद है, ये चार्ज कैरियर है, फ्री इलेक्ट्रॉन और जो होल है जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने में मदद करती है, तो दीज चार्जेज, चाहे वो होल हो पॉजिटिव चार्ज हो, चाहे इलेक्ट्रॉन हो फ्री इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज हो, इसे हम लोग कहते हैं चार्ज कैरियर। तो ये चार्ज कैरियर इसमें मौजूद है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, इसलिए इट हैज हाई कंडक्टिविटी, जबकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक अच्छा कंडक्टर नहीं होता है। ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट इज जो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी वो अगर हम चेंज करना चाहे ज्यादा या कम, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर हम उसे गर्म करते हैं, देखो हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जीरो केल्विन पे, मतलब -273 डिग्री सेल्सियस ऑलमोस्ट, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो प्योर इंसुलेटर की तरह व्यवहार करता है, मतलब उसे चारों इलेक्ट्रॉन एकदम पक्के रूप से बंधे होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड में। लेकिन अगर उसे गर्म किया जाए, रूम टेम्परेचर पर लाया जाए और गर्म किया जाए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को, तो देखा जाता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है
वो कोवेलेंट बॉन्ड से टूट जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अगर हम एनर्जी देंगे, गर्म करेंगे, तो जो थर्मल एनर्जी देंगे वो इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, हालांकि वो कोवेलेंट बॉन्ड में यूज्ड है, लेकिन अगर उसे बाहर से हम एनर्जी दे दें, इतना एनर्जी दे दें उस फ्री उस कोवेलेंट बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स को, कि वो उसमें इतनी एनर्जी आ गई, उसमें इतनी ताकत आ गई कि वो कोवेलेंट को बॉन्ड को वो तोड़ के बाहर निकल गया, वो छोड़ दिया बाहर, मतलब सरफेस को, मटेरियल को नहीं छोड़ा, वो अंदर ही शिफ्ट कर गया दूसरी जगह, है ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ दे, कब तोड़ेगा, जब हम उसको बाहर से इतनी थर्मल एनर्जी दे देंगे, तो देखा जाता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन जो फ्री हो गया, वो मदद कर सकता है हमें कंडक्टिविटी में, थोड़ी सी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो इलेक्ट्रिक सेमीकंडक्टर में देखा जाता है कि कंडक्टिविटी को अगर हम इसे गर्म करेंगे, हीट करेंगे, थर्मल एनर्जी देंगे ना, तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ सकती है। तो जो भी है, बढ़े कम बढ़े या ज़्यादा बढ़े, लेकिन ये देखा जाता है कि इसकी जो थर्ड पॉइंट में देखेंगे, इसकी जो कंडक्टिविटी है, इट्स कंडक्टिविटी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एलोन। टेम्परेचर मतलब डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, है ना, वी ऑल नो, है ना, हीट एनर्जी को का जो डिग्री है वो मेजर करते हैं टेम्परेचर स्केल पर। तो टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है, थोड़ी बहुत बढ़ जाती है, लेकिन ज़्यादा या कम से मतलब नहीं है। मतलब ये है कि जो कंडक्टिविटी है वो मात्र अकेला टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, मतलब और किसी फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है। एक इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर मतलब टेम्परेचर ही एक ऐसा फैक्टर है जिसको हम चेंज करेंगे तो थोड़ा बहुत कंडक्टिविटी में अंतर आ सकता है, ठीक है। लेकिन एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर में ये देखा गया है कि टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी पर भी डिपेंड करता है, इट्स कंडक्टिविटी ये तो अच्छा कंडक्टर है ही, लेकिन इस कंडक्टिविटी को और बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। इट्स कंडक्टिविटी इज अ फंक्शन ऑफ, फंक्शन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, फंक्शन मतलब है डिपेंड करता है, फंक्शन मतलब वो वाली फंक्शन नहीं जो हम पार्टी में करते हैं, है ना, वो फंक्शन नहीं, इट्स अ फंक्शन का मतलब है उस पर डिपेंड करता है, अगर वो बदलेगा तो ये भी बदल जाएगा। तो फंक्शन का मतलब है कि हम उसके अनुसार एक्ट करेंगे, यहाँ फंक्शन का मतलब है एक्ट करता है। अगर एक्स, जिसे हम कहते हैं एक्स और वाई, तो एक्स का वैल्यू बदलेंगे तो वाई का वैल्यू बदल जाएगा, तो वाई विल एक्ट एज अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ एक्स, तो वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स भी कैसे है। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि हमारा जो कंडक्टिविटी है इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर पर तो डिपेंड करेगा ही, जैसे इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर डिपेंड किया था, एंड साथ साथ अमाउंट ऑफ हम जो इम्प्योरिटीज मिक्स कर रहे हैं उस कितनी अमाउंट में हम डाल रहे हैं, जिसको कहते हैं डोपेंट कहते हैं ना, इम्प्योरिटी को डोपेंट कहते हैं, प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं। और जो मटेरियल जो डाला हमने, बोरोन, अल्मोनियम, एंटीमनी, है ना, आर्सेनिक, जो भी मैंने पेंटावेलेंट ट्राइवेलेंट डाला, उसे क्या कहते हैं, डोपेंट। तो ये डोपेंट हमने कितना डाला, ज़्यादा या कम डाला, उसकी क्वांटिटी पर भी डिपेंड करती है ना, अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज, जिसे हम लोग कहते हैं इम्प्योरिटीज भी कहते हैं, अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी है ना, ओके। तो एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अगर उसके टेम्परेचर में बदलाव लाया जाए, या नहीं तो उसकी जो उसमें जो इम्प्योरिटी मैंने मिक्स किया हुआ है वो उसकी क्वांटिटी घटाई या बढ़ाई जाए, तो भी हम देखते हैं कि जो इसकी कंडक्टिविटी है वो बदल जाती है। और सो दिस इज द थर्ड पॉइंट। नाउ द फोर्थ पॉइंट वी विल डिस्कस कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और होल्स, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि देखो अगर किसी सेमीकंडक्टर को गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, थर्मल एनर्जी दिया जाता है, तो क्या होता है, उसकी वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन निकल करके कंडक्शन बैंड में जाती है। आपको मैंने पहले बताया था कि ये सपोज ये वैलेंस बैंड है, Vb4 वैलेंस बैंड एंड Cb4 कंडक्शन बैंड, और वैलेंस बैंड में सपोज चार इलेक्ट्रॉन है, ओके,
तो जब इसको गर्म करते हैं तो वैसे बाय डिफॉल्ट जो होगा वो चारों इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो वैलेंस बैंड में होगा, कंडक्शन बैंड खाली है। और याद रखना जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होती है वही फ्री इलेक्ट्रॉन मानी जाती है और वही इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन में मदद करती है, वैलेंस बॉन्ड में बैंड में है तो वो मदद नहीं करेगी कंडक्टिविटी में। अगर हमें इसे एनर्जी दिया तो इस इलेक्ट्रॉन को इतना एनर्जी दिया, थर्मल एनर्जी या जैसे भी एनर्जी दिया, तो इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गई, ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाया, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई जिसे कहते हैं होल, ये होल बन गया, दो होल बन गया। तो जितने होल यहाँ बनेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, अगर तीन इलेक्ट्रॉन जाता तो तीन होल बनता। तो इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में देखा जाता है कि जो नंबर ऑफ होल होंगे वैलेंस बैंड में और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो होंगे कंडक्शन बैंड में वो दोनों इक्वल होंगे, नेचुरल ही है, ये कॉमन सेंस है कि अगर दो इलेक्ट्रॉन जाने से दो होल बनता है, दो होल का मतलब है खाली स्थान, मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, वहाँ इलेक्ट्रॉन कमी हो रही है, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो नेचुरली होल मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। तो अगर दो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ दो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, यहाँ दो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, दोनों हमेशा इक्वल होगा ना, अगर चार इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो चार यहाँ वैलेंस फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, चार होल बन जाएगा, तो ये हमेशा तो इक्वल ही होगा ना। तो ये इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में ऐसा ही होता है। तो लिखेंगे फोर्थ पॉइंट में, इन दिस नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, होल्स नंबर ऑफ होल्स कहाँ है तो ये वैलेंस बैंड में है ना, वैलेंस बैंड में है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये दोनों की संख्या हमेशा बराबर होती है, लेकिन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ऐसा नहीं होता है, नॉट इक्वल। व्हाई? क्योंकि अभी अभी मैंने बताया कि जब हम डोपेंट डोपिंग करते हैं, डोपेंट मिक्स कर देते हैं, चाहे वो ट्राईवैलेंट हो या पेंटावैलेंट हो, ट्राईवैलेंट होगा तो उसमें होल ज़्यादा हो जाएगा और पेंटावैलेंट होगा उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा। तो कभी भी जो हम बाहर से अगर हम होल सप्लाई कर रहे हैं एक तरीके से, अगर हम ट्राईवैलेंट डाल रहे हैं तो उसमें होल सप्लाई कर रहे हैं बाहर से, और अगर हम पेंटावैलेंट डाल रहे हैं तो बाहर से फ्री इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहे हैं। तो इन दैट केस जो टोटल होल की संख्या और टोटल जो फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो बराबर नहीं हो पाएगी, क्योंकि बाहर से हमने फीड किया है उसमें होल या फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो वी विल राइट हियर इन फोर्थ केस कि इन दिस केस, इन दिस नंबर ऑफ होल्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, कि ऐसा क्यों नहीं इक्वल है? एज आई टोल्ड यू कि बाहर से जो हम ट्राईवैलेंट या पेंटावैलेंट हम मिक्स करते हैं तो ट्राईवैलेंट आ रहे हैं तो इसका मतलब बाहर से होल सप्लाई कर रहे हो, जो बाहर से होल सप्लाई कर रहे हो इसमें फॉर एग्जांपल दोनों इक्वल है, आपने होल सप्लाई किया तो होल बढ़ गया ना, फ्री इलेक्ट्रॉन कम हो गया। अगर आप उसमें पेंटावैलेंट आ रहे हो तो बाहर से फ्री इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहे हो तो होल कम हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा, तो दोनों इक्वल कभी नहीं हो पाएगा, बिकॉज बाहर से आप फीड कर रहे हो आइदर होल या फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में वी विल फाइंड दैट नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नहीं होते, राइट? उसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है कि ये जो इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर है ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि इसकी खास बात, इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट खास बात नहीं है ना। इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर मतलब प्योर फॉर्म है ना, सिलिकॉन का प्योर फॉर्म, जर्मेनियम का प्योर फॉर्म, इसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होता है। तो इट इज नॉट यूज्ड मच प्रैक्टिकली हमारे यूज में ये नहीं आता है, ठीक है ना, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है। लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जैसे पी टाइप मिलता है ना, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसकी इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा है। आपने डायोड का नाम सुना होगा, आपने ट्रांजिस्टर का नाम सुना होगा, जिससे जो इलेक्ट्रॉनिक्स का ये बेस एलिमेंट है, तो वो बनाने में, डायोड बनाने में, ट्रांजिस्टर, बहुत सारे कंपोनेंट्स है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स, उसे बनाने में हम पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप मतलब जब हम ट्राईवैलेंट मिक्स करेंगे डोपेंट, और अगर एन टाइप मतलब जब हम लोग पेंटावैलेंट डोपेंट मिक्स करेंगे, तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर या एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, इसका इस्तेमाल डायोड, ट्रांजिस्टर और एक्सेट्रा बहुत सारे कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाने में हम लोग करते हैं। तो इट इज यूज्ड मच
Now, it is used much in practically, right? इसकी practical इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा है ना. For example, इसमें diode कर सकते हैं या ना transistor कर सकते हैं. उसके बाद इसकी जो फर्मी लेवल है, 6 पॉइंट देख लो. फर्मी लेवल मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में आपको फर्मी लेवल समझाया था, है ना. तो फर्मी लेवल का मतलब क्या होता है कि किसी भी मैक्सिमम एक एनर्जी कंटेन करने वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड. तो हाईएस्ट लेवल पे जो इलेक्ट्रॉन होगा, सबसे ज़्यादा एनर्जी कैरी करने वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा, वो एनर्जी ही फर्मी लेवल कहलाता है ना. तो हम प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको फर्मी लेवल एक्सप्लेन किया है, यू मस्ट वॉच इट, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. एग्जाम में हमेशा फर्मी लेवल के बारे में पूछा जाता है. और हमने एक फार्मूला भी इक्वेशन में प्रूफ किया था कि फर्मी लेवल जो होती है इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में हमेशा बीच में होती है. ये एक्सप्रेशन, ये फार्मूला आता है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है. तो याद रखना है कि जो इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में जो फर्मी लेवल होती है वो वैलेंस बैंड, ये जो वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है, इसके ठीक बीच में ना, मिडिल में होती है, मिडिल में होती है, याद रखना है मिडिल में. और ये प्रूफ भी मैंने एक फार्मूला एक्सप्रेशन भी प्रूफ किया था ना, वो फार्मूला भी आप जरूर देखोगे. तो ये फर्मी लेवल है ना, फर्मी लेवल जो होती है वो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के ठीक बीच में होती है. किस केस में? इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में. लेकिन एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में ऐसा नहीं होता है. ये फर्मी लेवल चाहे तो कंडक्शन बैंड की तरफ होगा या वैलेंस बैंड की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, चाहे ऊपर या नीचे का बीच में नहीं होता है, ठीक है ना. तो ये बातें मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर रखा है, वो आप जरूर देखो. तो ये फर्मी लेवल क्या है ना, ये भी आप देख लोगे. और ये भी देख लोगे कि फर्मी लेवल वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में होता है इस केस में, इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में. लेकिन एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में ये बीच में नहीं होता है. फर्मी लेवल आइदर कंडक्शन ऊपर होगा, मतलब टुवार्ड्स कंडक्शन बैंड, या नीचे होगा या टुवार्ड्स वैलेंस बैंड, ठीक है ना. तो दिस इज द डिफरेंस, 6th पॉइंट, कि फर्मी लेवल इज इन द मिडिल ऑफ वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओके. लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता है. फर्मी लेवल इज आइदर शिफ्टेड टुवार्ड्स कंडक्शन बैंड, चाहे कंडक्शन बैंड की तरफ होगा, कंडक्शन बैंड, और टुवार्ड्स वैलेंस बैंड, या नहीं तो वैलेंस बैंड की तरफ वो शिफ्ट होगा. ओके, सो दीज आर 6 इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर. ओके, थैंक यू.